माशाल्लाह सारी चीज़ें एक घंटे के अंदर बनी। स्पेशल सिंपल लंच है ये, हैदराबादी सिंपल लंच है। मैं इसके टिप वीडियो में बोली कि आपको जल्दी बनाना है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बनाना है तो साथ में प्रिपरेशन कर लेना, और एक साथ तीन चूल्हे हैं तो तीन पे रखना, दो है तो दो पे रखना। सिर्फ एक मिनट भी किचन में वेस्ट ना करना, एक के पीछे काम करते रहना, एक घंटे के अंदर सारा पकवान हो जाता। ये रेसिपी मुरगुल की मेरे चैनल पर है, आप देख के बना सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ सिंपल हैदराबादी सिंपल लंच। हैदराबादी सिंपल लंच में खीमा, खट्टी दाल, खाना और रोटियाँ बनाएंगे। इसके लिए मैं आधा किलो खीमा ले और इसको वॉश कर ली। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची है, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन। ये सारी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से लगा लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1-15 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ देना, अगर टाइम नहीं है आप जल्दी में हैं तो डायरेक्ट पका सकते हैं। प्याज ली मैं 3 मीडियम साइज के। इसके लिए मैं पैन ली, पैन में ली 1/4 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज का कच्चा बन जाने तक इसको फ्राई कर देंगे। प्याज का कच्चा बन जाना और ये गुलाबी कलर की होना, हल्की से सॉफ्ट होना जब तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज हल्की से पिंक होने लगी और इसका कच्चापन भी चलेगा और सॉफ्ट भी होंगे, हल्की से पिंक होने लगी। अब इसमें डालेंगे जो मैरिनेट करके रखे थे खीमा, उसमें वहाँ डालेंगे। खीमा डालने के बाद इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तेज फ्लेम पे इसको भूनेंगे, थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाए। 5-6 मिनट में इसको तेज फ्लेम पे भूनते हुए पकाइए। अब फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, फ्लेम को धीमा करके इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए छोड़ देना। अब खीमे में जितना भी पानी है रिलीज होगा, पानी मैंने डाले डालना की ज़रूरत नहीं है, पानी से खीमे से और प्याज से पानी खुद छूटता, उसमें ये खीमा गल जाता है। 15 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे जब तक दूसरा प्रिपरेशन करेंगे। जब तक हमारा खीमा दम पे है पक रहा, जब तक हम दाल की तैयारी कर लेंगे। दाल बनाने के लिए मैं तुअर की दाल ली, आप मूंग की दाल, मसूर की दाल ले सकते अगर चाहे तो, आपके पास ये नहीं है तब ये ले सकते। ये तुअर की दाल है 100 ग्राम, इसको 3-4 पानी से वॉश कर ले और 1.5 लीटर पानी में इसको भीगने के लिए पकने के लिए छोड़ दी। इस 1.5 लीटर पानी में पका ले सकते या थोड़ा सा आप बढ़ के डाल सकते, और एक 10-15 मिनट का टाइम है तो धो के इसको रख देना, थोड़ा सा ये नरम हो जाती है। अब इसमें दाल में 3 बड़े टमाटर और थोड़ा सा करिया पक्के पत्ती, थोड़ा सा धनिया, कोथमीर और 5-6 हरी मिर्चों को मैं बीच से स्लिट करके इसके बीज निकाल ली। बीज तेज़ अगर मिर्ची है तो बीज में से इसको स्लिट करके बीजा निकाल लेना। दाल हुए खाते वक्त बीजा आते बहुत तेज़ रहते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून है अदरक लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून है हल्दी। मैं नमक नहीं डालती, नमक दाल गलने के बाद जब घेटते दाल को जब नमक डालती हूँ, और नमक नहीं डालने तो जल्दी गल जाती दाल, डाले तो टाइम बहुत लगता। कुकर रख दी, अब इसमें ये डाल देंगे। अब तेज़ फ्लेम पे कुकर को रख दिए और इसका ढक्कन लगा देंगे। 5-6 सीटी होने के बाद 5 मिनट धीमे पर रख के इसको चेक करेंगे। एक चूल्हे पे खीमा गलने के लिए धीमे पे रख डाली और एक चूल्हे पे दाल रख दी और दूसरे चूल्हे तीसरे चूल्हे पे चावल रख देंगे। चावल में 1.25 किलो ली और इसको अच्छे से वॉश करना। चावल जितना साफ धोएंगे आप खाना ख़राब नहीं होता, बहुत टाइम तक चलता। अगले दिन भी आप रात में बचने के बाद फ्रिज में रख दी तो अगले दिन भी ख़राब नहीं होता फ्रिज में रखने के बाद। ये 1.25 किलो चावल है, 4-5 पानी से धो दिए। अब इसमें ये पानी निथारे बगैर पकाएंगे, जिस तरह राइस कुकर में बनाते उस तरह हम सादे बर्तन में बनाएंगे। ये पानी जितना चावल जितना है पानी उसका डबल लेना। मैंने मेजरमेंट जितना कर लिया, अगर 3 गिलास चावल है तो 6 गिलास इसका पानी लेना। अगर चावल ज़्यादा देर भीगे हुआ है या नया है तो 1/2 गिलास पानी कम कर सकते। और इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाल दें और इसको ढाँप देंगे। बॉयल होते वक्त ढक्कन निकालेंगे।
बीच में एक से दो बार इसको मिला लेंगे। अब हम इमली को भीगने के लिए छोड़ देंगे। इमली में एक मुट्ठी के करीब करीब, और ये फूली 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 इमली है। अगर आप खट्टे के हिसाब से, आप जितना खट्टा खाते हैं उस हिसाब से इमली को कम या बढ़ा सकते हैं। खीमे को रखे 15 मिनट हो गए। अब साइड में मैं 2 मीडियम साइज के आलू को छोटे छोटे पीस करके वॉश करके रख लिया। 2 मेथी के कटे बंचेस को लेके कट कर ली। इसको भी अच्छा साफ पानी से धोना। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप इसकी जगह कोथमीर ले सकते हैं। अब फ्लेम को तेज करेंगे। मैं इसको अच्छे से भून लेंगे। 15 मिनट घी में छोड़ दीजिए। चलिए इसको अच्छे से मैं भून लूँ। अब इसमें आलू और मेथी डाल देंगे। आलू मेथी डालने के बाद एक थोड़ा सा, एक आधी गिलास पानी डालेंगे। फ्लेम को तेज़ी रखेंगे और हरी हल्के से इसको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। ज़्यादा प्रेशर से नहीं मिलाएंगे। मेथी है कच्ची है, मेथी कच्ची रहने का कड़वी रहती है। हल्के से इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को तेज़ रखें। अब इसको हम ढाँप देंगे। 4-5 मिनट के बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे। चावल में उबाल आ गया और ढक्कन निकाल ली। फ्लेम को तेज़ी रखी और इसको खुला रख के पकाएंगे। जब तक हम खट्टे को निकाल के रख लेंगे, मीडियम खट्टा निकाल लेंगे। थोड़ा पतला ना रखना, थोड़ा गाढ़ा खट्टा निकालना। और खट्टा ज़्यादा हुई तो फिर पानी मिला सकते हैं। खट्टे को सेट में रख लेंगे। पानी की क्वांटिटी आधी हो गई और फ्लेम को धीमा करके 10 मिनट के लिए ढाँप देंगे। पानी हम जितना डाले उसकी क्वांटिटी आधी हो गई। आधी होने के बाद ढाप देना 10 मिनट पर धीमे फ्लेम पे दम पर ढाप देंगे खाने को। 5 मिनट में इसको तेज फ्लेम पे पका लिया। 5 मिनट जो थोड़ा सा पानी डाले थे, पानी भी आधा हो गया। अब फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमा करके 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। हम दाल जो रखी थी, दाल अच्छे से गल गई। जो मैं जितने सीटी बनी थी उतना ही रखी। दाल अच्छे से गल गई। अब दाल में डालेंगे 2 टीस्पून भर के नमक। नमक थोड़ा सा कम डालना, बाद में टेस्ट करके डाल सकते हैं। दाल को इस अच्छे से घेट लेंगे। दाल अच्छे से घेट लेंगे और जो हम इमली का खट्टा निकाले थे वो डाल देंगे। खुले बर्तन में निकाल लेंगे। दाल थोड़ी सी गाढ़ी है, गाढ़ी रही तो थोड़ा इसमें पानी डाल लेना। दाल में अब डालेंगे हम थोड़ी सी कोथमीर और करिया पाक। करिया पाक तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अगर करिया पाक ज़रूरी है, कोथमीर अगर रही तो डाल सकते, नहीं रही तो मत डालिए। लेकिन डालें तो बहुत अच्छा, कोथमीर से भी टेस्ट आता। जो चावल को हम धीमे पे रखे थे 10 मिनट के लिए, माशाल्लाह पानी इसका अच्छा से सूख गया और ये दम हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तक हम भिंडी को कट कर लेंगे। भिंडी आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप उतनी क्वांटिटी में ले सकते। ये करीब 2 किलो से बढ़ के है, 300 ग्राम। भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिए, उसके बाद कट कर लेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हुई है और 2 मिर्चियाँ हैं, बड़े साइज के हैं और तेज़ है। इसको बारीक इसके साथ ही कट कर लेंगे। लाल मिर्ची नदार में हरी मिर्ची के साथ इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट में इसको अच्छे से बॉईल होने दी। इसमें बॉईल होने देना, कच्चा इमली का जो खट्टा टेस्ट रहता, जो खट्टापन रहता, कच्चापन रहता जो इमली का, वो कच्चापन चल जाता। 5-6 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पर बॉईल कर दिया। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, साइड में रखेंगे और इसको भगाने की तैयारी करेंगे। पैन रख दी। पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डाले। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अगर आपके पास राई है तो राई भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून जीरे के साथ। लहसुन की कलियों को मोटा मोटा कूट ली गई। सूखी मिर्ची। फ्लेम को बंद कर देंगे।
माशाल्लाह इसकी बगार से बहुत अच्छी। दस मिनट के लिए मैं धीमी फ्लेम पे रखी, माशाल्लाह 10 मिनट हो गए और ये अच्छे से गल भी गया और इसका पानी भी सूख गया, इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया और इसका ऑयल अच्छे से छोड़ गया। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, खेमे को साइड में रख देंगे। एक साथ 3 चूल्हों पे मैं रखी, आराम से भी पका ली, कुछ भी टेंशन नहीं हुई और जल्दी भी पक जाता है। 1 घंटे के दिन के अंदर सारे चीज़ें पक गई। लेकिन सबसे ख़ास टिप इसका यह है कि आप जो जो चीज़ें बना रहे हैं उसका प्रिपरेशन साथ एक साथ कर लेना। एक साथ करने के बाद चूल्हे पे एक साथ चढ़ा देना, एक ही घंटे के अंदर सब पे नज़र रखते हुए सबको पकाते हुए कम्प्लीट करके निकल जा सकते किचन में से। अब ये खीमे को हम साइड में रख देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम मुरगुल को फ्राई करेंगे। दाल के साथ मुरगुल का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता, और ये मुरगुल की रेसिपी मेरे चैनल पर है माय किचन टेस्टी डिशेस पर। ये रेसिपी है, ये वीडियो है, आप देख के बना सकते। ये दिसंबर के महीने में नहीं बनते, फरवरी से आप मुरगुल कभी भी बना सकते, फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने, और ये साल 2 साल आप उसको सेव करके रख सकते, ख़राब नहीं होते। मुरगुल तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल अच्छा लेना, डीप फ्राई होना और ये गर्म होना, लेकिन ओवर कुक नहीं होना। ओवर कुक है तो जल जाती और ठंडे भी दे तो फूलते नहीं। पहले स्टार्टिंग में थोड़े से डाल के देखना, आप दाल के साथ खिचड़ी खट्टा आप जब बना रहे हैं खिचड़ी खट्टे के साथ, और खिचड़ी खट्टे खेमे की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप उसके साथ भी वो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे मज़ेदार मुरगुल है ये। ये गरम गरम है, थोड़ा ठंडा होने के बाद क्रिस्पी। अब यही कढ़ाई में हम मुरगुल जिसमें तले उसमें भेड़ी तलेंगे, और ऑयल ज़्यादा था मैं निकाल ली। अब इसमें 1/2 टेस्पून नमक डालेंगे। नमक कभी भी थोड़ा कम डालना, टेस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन कम का इलाज है, ज़्यादा का इलाज नहीं है। चलिए हमारी भिंडी तैयार हो गई। भिंडी को इतना ही फ्राई करना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल इसका कलर भी काला हो जाना और इसमें जो हमको एनर्जी में जो प्रोटीन्स मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। सिर्फ मैं नमक डाली और हरी मिर्च के साथ इसको फ्राई करी। ये भिंडी बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को भी यही देना। इस फ्लेम को बंद करके साइड में रख दो। चलिए हमारे सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी। राइस बना और भिंडी तली हुई, दाल, खीमा, मुरकुल, रोटी, सलाद और करेले का अचार। करेले का अचार की रेसिपी मैं कल वीडियो पे अपलोड करी, आप चेक करिए और बनाइए। माशाल्लाह करेले का अचार अगले दिन और ज़बरदस्त हो गया। जो करेले के शाखें हैं बहुत खट्टी खट्टी हो गई और बहुत अच्छा दिख रहा। चलिए मेरी रेसिपी सिंपल हैदराबादी लंच रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।